जब मैं JNU में आया तो यहाँ पे एंटी इंडिया और एंटी हिंदू बोलना फैशन था। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल आपको तभी कहा जाता जब आप भारत के खिलाफ बोले, तिरंगे के खिलाफ बोले, तिरंगे का अपमान करें या भारतीय आर्मी का अपमान करें। एक भारत का नागरिक होने के नाते आप कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और तब आपको ABVP का यहाँ पे इंपॉर्टेंस पता चलेगा, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक पूरे भारत भूमि को एक करने की बात करते हैं। ABVP ज्वाइन करने के बाद में एक नेशनलिस्ट अप्रोच आपके अंदर आती है, एक राष्ट्रभक्ति आती है, किस तरह हम अपने काम को करें, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो साइंटिफिक अप्रोच हो, चाहे वो पोएट्री हो, चाहे वो एक सोशल साइंटिस्ट हो, किस तरह आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो देश हित में हो। आप क्वेश्चन करना सीखते हो, लेकिन क्वेश्चन के साथ में सॉल्यूशन लेना ये ABVP सिखाता है। JNU आके मैंने देखा किस तरह यहाँ पे लेनिन, स्टालिन, मार्क्स, माओ, चेगुवेरा की बातें की जाती है, लेकिन हमारे अपने जो पैट्रियट्स हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, महाराणा प्रताप, शिवाजी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, इनकी बात कोई नहीं करता। और मुझे लगता है विद्यार्थी परिषद इस चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें इंडिजिनस हीरो, जो भारतीय हीरो, उनकी बात करते हैं, और इसमें दूसरे ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं हम विदेशी जो इन्फ्लुएंस है या विदेशी सोच है उससे परिपूर्ण है। वहीं भी विद्यार्थी परिषद जो लोकल हीरो हैं, जो हमारे भारतीय हीरो हैं, उनकी बात करती है।